हेलो फ्रेंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटिडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म सुरैफ शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश पर प्रदीप लोकेश और सागर जीशु सैनगुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली और उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा ममिता चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और जूली की शादी इस सर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित अमित संवाद पटकथा की है मिलाप जावेद साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हशीन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता रणधीर इरान, कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायाकंद विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर रॉय ने बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौप ला उत्पादन कंपनी नेडिया वाला एंटरटेनमेंट ग्रे, द्वारा इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान है सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट दोबे लिलेट, मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोनों में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतिल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बॉब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश है वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आरुषि ने आरुष ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुस एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे टली के सबसे बड़े होटल के मालिक जहां असू अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी ने बॉब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती, इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है। वास्तव को लगता है कि आरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है आरसू और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है इस बीच हैतल अपने पिता बिट्टू पटेल वमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतर के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि बॉब का मालिक बॉब का मालिक भ्रम की स्थिति को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर किरण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरसू के आतंक के लिए बहुत अधिक की किरसन वही था जिसने पूजा के लिए उसे पहले घुसा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि आरसू हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे अरसू के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक किसानों में जाता में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसिनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और पर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ़ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पार्वा और बंता सी सुरेर मनेन जगह के लिए एरन कंडीशन स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ आपूर्ति करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बद सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सैंडिक से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स बिट्टू के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटिडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश परसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर जीशुसेनगुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और झूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटे की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित संवाद की है साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हशेन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बोमाइन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायाकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तो संगीत या गाने शंकर एसाई रॉय ने बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौप चौटाला उत्पादन कंपनी नेडिया वाला ग्रे, ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यवसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुनीत एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोन में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बोब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बोब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोनों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आलूसी ने अरुस ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुस एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे के सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुसु अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है को लगता है कि अरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अरसू और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उनकी सुरक्षा करता है इस बीच हेतल अपने पिता बिट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आसू भी काफी अच्छा है हेतल के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि वो का मालिक वोब का मालिक भ्रम की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुटुक को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरशु की शादी हेतल से हुई है और वो रसोइया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरशु के आतंक के लिए बहुत अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले घुसा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि अर्सू हवेली का मालिक है आधे कार्यालय के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बोक्स के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि अर्सू का मालिक अर्सू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे और के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक संगति कृष्ण किसोनों में जाता कसिनों में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसिनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और पर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज परव और बनता श्री सुरेय मनिन् जगह के लिए एन कंडीशन स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिविंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक्स ऑक्साइड के साथ आपूर्ति है, करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बन सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सैंडी से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स बिटु के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश परसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर गुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और जूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल हा। में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित अमित संवाद पटकथा की है मिलाप जावेद साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाड़ियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हशन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बोमाइन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायांकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एस अय्यर रोयने बैकग्राउंड स्कोर संदीप चो, चोटाला उत्पादन कंपनी नेडियावाला ग्रे ग्रेंडसन इंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक कि उन में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बॉब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुस की उपस्थिति से नाखुश है वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है ने, ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी ही दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुषि एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे लिखे सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुषु अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है को लगता है कि आरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अरसू और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उनकी सुरक्षा करता है इस बीच हेतल अपने पिता बिट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतल के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि वो का मालिक वोब का मालिक ब्रह्म की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुटुक को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरशु की शादी हेतल से हुई है और वो रसोइया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरशु के आतंक के लिए बहुत अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उसे पहले घुसा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली उसके स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे अरसू के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक कृष्ण किसोनों में जाता कसिनों में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसिनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और सुपर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पर्व और बनता श्री सुरेय मनिन् जगह के लिए एन कंडीशन गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक्स ऑक्साइड के साथ आपूर्ति है करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बन सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सेंडिक से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में और बॉब्स के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश परसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर जीशुसेनगुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और झूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित अमित संवाद पटकथा की है मिलाप जावेद साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाड़ियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हसैन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाड़ी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायाक विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर ऐसा रॉय ने बैकग्राउंड इसको संदीप चौटाला चो, उत्पादन कंपनी नेडिया वाला ग्रे, ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोनों में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बोब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बोब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसिनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आरुसी ने अरुस ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुस एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे के सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुस अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती, इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है। आनेकनी को लगता है कि आरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अरसू और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उनकी सुरक्षा करता है इस बीच हैतल अपने पिता विट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है। दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतर के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि बॉब का मालिक बॉब का मालिक ब्रह्म की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बट्टू को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरशु की शादी हेतल से हुई है और बॉब रसोईया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरशु के आतंक के लिए वह अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले गुस्सा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि आरसू हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे अरसू के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक संगदी कृष्ण किसोनों में जाता कसिनों में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसीनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और पर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज परवा और बनता श्री सुरेय मनिन् जगह के लिए ए कंडीशन कंडीशनर गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक्स ऑक्साइड के साथ आपूर्ति करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बन सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सेंडिक से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स बिट्टू के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश पर प्रदीप लोकेश और सागर जीशुसेनगुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और जूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटे की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल हा। में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित संवाद की है जावेर, साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हसें द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बूमैन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायांकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एस एए रोहिणी बैकग्राउंड स्कोर संदीप चोपड़ाला उत्पादन कंपनी नेडिया वाला ग्रे, ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून दो हजार तेरह की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आ, आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोन में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बोब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बोब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुस की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समदानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आलूसी ने अरुस ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुस एक विक्रेता है लेकिन जब आखरी पास तो चंकी पांडे लिखे सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुसु अपना हनीमून देविका के साथ थे। को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है पास्ता को लगता है कि अर्शु आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अर्शु और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है इस बीच हेतल अपने पिता बिट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतल के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि वो का मालिक वोब का मालिक भ्रम की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुटुक को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरसू की शादी हेतल से हुई है और वो रसोइया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरसू के आतंक के लिए बहुत अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले घुसा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि आरसू हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे और के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक संगति कृष्ण किसोनों में जाता कसिनों में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसिनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और पर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पर्व और बनता श्री सुरेय मनिन् जगह के लिए एन कंडीशन गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ आपूर्ति है, करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बन सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सैंडी से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स बिट्टू के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटिडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म सिर्फ शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश प्रसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर जीशु शेनगुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का पक्षा मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा मोमिता चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मुमि... मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और जूली की शादी इस तरह पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित अमृत संवाद पटकथा की है मिलाप जावेद साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हशेन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बोमाइन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायाकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एसाई रोयने बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौ चो, चौटाला उत्पादन कंपनी नेडियावाला ग्रे ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिले, लिलेट लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोन में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बॉब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुस की स्थिति से नाखुश है वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आलूसी ने अरुष ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुष एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे तिलक सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुष अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है पास्ता को लगता है कि अर्शु आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अर्शु और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है इस बीच हैतल अपने पिता बिट्टू पटेल वमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आसू भी काफी अच्छा है हेतर के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि बॉब का मालिक बॉब का मालिक ब्रह्म की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुट्टू को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरशु की शादी हेतल से हुई है और बॉब रसोइया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरशु के आतंक के लिए बहुत अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले गुस्सा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि हवेली का मालिक है आधे के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे अरसुख के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक संगनो में जाता में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसिनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और सुपर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पर्व और बनता श्री सुरेन्द्र मनिन् जगह के लिए ए कंडीशन गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक्स ऑक्साइड के साथ आपूर्ति है, करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बन सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सैंड से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में और के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश परसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर जीशुसेनगुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी। प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और झूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित अमित संवाद पटकथा की है मिलाप जावेद साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाड़ियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हसैन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाड़ी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायाक विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एस आई रॉय ने बैकग्राउंड इसको संदीप चौटाला चो, उत्पादन कंपनी नेडियावाला ग्रे ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिले, लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोनों में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बोब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बोब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसिनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आरुसी ने अरुस ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुस एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे लिखे सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुस अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती, इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है। आनेकनी को लगता है कि आरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है आरसू और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उनकी सुरक्षा करता है इस बीच हैतल अपने पिता बिट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है। दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतर के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि बॉब का मालिक बॉब का मालिक भ्रम की स्थिति को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर किरण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरसू के आतंक के लिए बहुत अधिक की किरसन वही था जिसने पूजा के लिए उसे पहले घुसा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि आरसू हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे माता-पिता, जबकि की हेतल हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक संगति कृष्ण किसानों में जाता कसीनों में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसीनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और सुपर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंड सैंडी बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पार्वक और बंता श्री सुरेर मनेन जगह के लिए एन कंडीशन गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ आपूर्ति करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बद सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सेंडिक से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स बिटुक के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश और सुनजीत प्रदीप लोकेश और सागर गुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और जूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा संवाद की है जावेर साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हसें द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बोमाइन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायांकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एस अय्यर रोयने बैकग्राउंड स्कोर संदीप चो, चोटाला उत्पादन कंपनी नेडियावाला ग्रे ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोन में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बोब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बोब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समदानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है और उसी ने अरुष ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुष एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे तिलक सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुष अपना हनीमून देविका के साथ थे। को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी बॉब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है को लगता है कि अरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अरसू और सैंडी की शादी एक का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है इस बीच हेतल अपने पिता बिट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतल के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि वो का मालिक वोब का मालिक ब्रह्म की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुट्टू को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरशु की शादी हेतल से हुई है और वो रसोइया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरशु के आतंक के लिए वह अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले घुसा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि आरसू हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक संगति कृष्ण किसोनों में जाता कसिनो में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बौब और हेतल को कसिनो में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और पर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पर्व और बनता श्री सुधीर मनिन् जगह के लिए एन कंडीशन कंडीशनर गैस स्थापित करने वाला हालांकि किसके बजाय वे गलती से होलकोस लीफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक्स ऑक्साइड के साथ आपूर्ति करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच ब सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने में आ जाते हैं और आरसू को अपनी बद किस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और, और इसके बजाय उसे सैंडी से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स बिट्टू के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश परसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर गुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और जूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित अमृत संवाद पटकथा की है मिलाप जावेद साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हसें द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बूमैन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायांकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एस एए रोहिणी बैकग्राउंड स्कोर संदीप चोपड़ा चौटाला उत्पादन कंपनी नेडियावाला वाला ग्रे, ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिले, लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुनित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोनों में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉब रितेश और उनकी पत्नी हेतिल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बॉब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आरुसी ने अरुष ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुष एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे तिलक सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुष अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है को लगता है कि आरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है आरसू और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है इस बीच हेतल अपने पिता बिट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतल के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने ने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि वो का मालिक वोब का मालिक ब्रह्म की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुट्टू को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरशु की शादी हेतल से हुई है और वो रसोइया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरशु के आतंक के लिए बहुत अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले घुसा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि अर्सू हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि अर्सू का मालिक अर्सू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक संगति कृष्ण किसनों में जाता कसिनों में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बॉब और हेतल को कसीनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और सुपर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पार्वा और बंता श्री सुरेर मनेन जगह के लिए एयर कंडीशन गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक्स ऑक्साइड के साथ आपूर्ति है करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बन सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सैंडी से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स बिट्टू के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म स्वैफ शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश परसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर जीशु शेन गुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा ममिता चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और जूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित अमित संवाद पटकथा की है मिलाप जावेद साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हशेन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाड़ी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बूमैन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायांकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एस आयर रॉय ने बैकग्राउंड स्कोर संदीप चोपड़ा चौटाला उत्पादन कंपनी नेडिया वाला ग्रे ग्रेंडसन इंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिले, लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोन में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बॉब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोनों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है और उसी ने और उसने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुष एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे लिखे सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुषु अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि अरसू एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है। चढ़ा को लगता है कि अर्शु आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अर्शु और सैंडी की शादी एक का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है इस बीच हैतल अपने पिता बिट्टू पटेल वमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि अरसू भी काफी अच्छा है हेतर के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि बॉब का मालिक बॉब का मालिक ब्रह्म की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बट्टुक को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरशु की शादी हेतल से हुई है और बॉब रसोइया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरशु के आतंक के लिए बहुत अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले गुस्सा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि आरसू हवेली का मालिक है आधे कार्यकाल के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बोस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे अरसू के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक कृष्ण किसोनों में जाता कसिनों में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसीनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए और पर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पर्व और बनता श्री सुधीर मनिन् जगह के लिए एन कंडीशन गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ आपूर्ति है करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बद सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सेंडिक से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब्स के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटीडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश परसेंजीत प्रदीप लोकेश और सागर गुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली और मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और झूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटी की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा संवाद की है साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हसें द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता रणधीर इरान, कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायाकंद विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर ऐसा रोहिणी बैकग्राउंड स्कोर संदीप च छोटा चौटाला उत्पादन कंपनी नेडिया वाला ग्रेडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान है सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिलेट लिलेट दुबई मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक सफलता साबित हुई। फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आरसू आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोनों में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बॉब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतिल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बॉब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश है वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है और उसी ने आरुष ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुस् एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे के सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अ अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती, इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है। पास्ता को लगता है कि अर्शु आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अर्शु और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो भारतीय खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा करता है इस बीच हैतल अपने पिता विट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है। दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतर के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि बॉब का मालिक बॉब का मालिक ब्रह्म की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुटुक को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरसू की शादी हेतल से हुई है और बॉब रसोईया है ब्रह्म में वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है आरसू के आतंक के लिए बहुत अधिक की कृष्ण वही था जिसने पूजा के लिए उससे पहले गुस्सा मारा था और दो दो जोड़े उसे विश्वास दिलाते थे कि हवेली का मालिक है आधे के लिए चारों को यह दिखावा करना चाहिए कि हवेली बॉस के स्वामित्व तत्व में है और बाकी को यह दिखावा करना चाहिए कि आरसू का मालिक आरसू का मालिक है बटुक और मकान मालकिन लिलेट दुबे अरसू के छम माता पिता जबकि हेतल की हेतल उसकी बहन और बोब उसका साला एक अत्याधिक कृष्ण किसानों में जाता में जाता है क्योंकि किशोर समतानी के साथ उसका बैग बदल जा जाता है किशन तब बोब और हेतल को कसिनों में काम करते देखता और जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं वे उसे छिपा लेते हैं फिर कृष्ण सच्चाई का पता लगाने के लिए अरसू पर झूठ पकड़ने के लिए यंत्र का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सैंडी सेंड, बीच में आता है और डायरेक्टर से साबित करता है कि वह उसे प्यार करता है और कृष्ण उसे माफ कर देता है यूनाइटेड किंगडम की रानी द्वारा कृष्ण को पुरस्कृत होते देखने के लिए पूरे परिवार को रॉयल पैलेस में आमंत्रित किया जाता है जबकि ऐसा हो रहा हो दो कार्यकर्ता संता मनोज पार्वा और बंता श्री सुरेर मनेन जगह के लिए एयर कंडीशन गैस स्थापित करने वाला हालांकि इसके बजाय वे गलती से होल को लिफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के साथ आपूर्ति नाइट्रिक्स ऑक्साइड के साथ आपूर्ति है करते हैं जिससे हर कोई हंसी के ठाके ठक्के लगे लगा देता है इस हंसी के दौरान सच बन सामने आ जाता है लेकिन कोई भी सह सही मन की स्थिति में नहीं होता इस बीच तो कार्यकर्ता गैस को फैलाने से रोकते हैं सभी अपने होश में आ जाते हैं और आरसू कृष्ण को अपनी बदकिस्मती के बारे में सच्चाई बताने के लिए मंच पर आ जाता है और मानता है कि सैंडी के साथ उसकी सगाई अब टूट गई है हालांकि कृष्ण का मानना है कि आरसू का पागलपन नहीं है और और इसके बजाय उसे सेंडिक से शादी करनी चाहिए शादी करने का आदेश देता है अंत में हेतल और बॉब बिटुक के साथ रहते हैं जो फिर मकान मालिक से साबित करता है और आरसू की किस्मत बेहतर के लिए बदल जाती है इस गाने के बाद आरसू आए हैं बंगाली मूवी इस मूवी का नाम है इसने प्रोटिडन 2003 में रिलीज हुई एक 2003 की भारतीय बंगाली फिल्म है यह फिल्म शाह द्वारा निर्देशित है जिसमें पवन कनोरिया द्वारा निर्मित किया गया था मोहन रंजीत मलिक के तीन भाई थे आकाश पर प्रदीप लोकेश और सागर जीशुसेनगुप्ता मोहन ने अपने भाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया सागर ने कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई की प्रदीप को पुलिस बल में शामिल होने का प्रशिक्षण मिला आकाश कपड़े धोने का लड़का था आकाश के बचपन में कविता रचना उनकी सबसे अच्छी दोस्ती थी और मोहन और दीपक दीपांकर दे ने उनकी शादी तय कर दी थी मोहन की मदद से दीपक एक अमीर आदमी बन गया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गया उससे मोहन का अपमान किया आकाश ने दीपक के घर सर्विस की उनकी कविता को पता चलता है कि आकाश उसका बचपन का दोस्त है वो एक दूसरे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अन्य कई घटनाओं में उन्हें शादी कर ली उनके बाद मोहन ने प्रदीप की शादी अपने दोस्त रमन रॉय चौधरी की बेटी अपर्णा चक्रवर्ती से कर दी प्रदीप को पुलिस में सेवा मिली इस बीच सागर एक लड़की जूली लोकेट चटर्जी को मोहन के पास ले आया तब पता चलता है कि जूली बैनर दुलार लहरी की बेटी है जिसकी बहन मोहना की मंगेतर थी लेकिन मोहना ने उसे अपने भाइयों के लिए शादी नहीं की बीरेन ने मोहन से बदला लेने की कोशिश की और उसने सागर और झूली की शादी इस शर्त पर तय की मोहन को अपने भाइयों को छोड़ना होगा अंत में बीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और खुशी खुशी बेटे की शादी स्वीकार कर ली वे साथ रहने लगे अंत में वीरेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुशी संपादक के रूप में काम किया था हाउसफुल में फ्रेंची की पहली किस्त बनाई गई थी और हम बात करते हैं इस मूवी के निर्देशक हैं साजिद खान द्वारा लिखित संवाद की है साजिद खान ने विवाह सिंह कहानी साजिद नाडियावाला क्रेजी मोहन की मूल कहानी बिना शेरिए पर आधारित कथा संगीत श्रीनिवास के जी मोहन और कमल हशेन द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित साजिया नाडी वाला अभिनेता अक्षय कुमार रितेश देशमुख अर्जुन रामपाल दीपिका पादुकोण लारा दत्ता जिया खान बूमैन ईरान ईरानी रणधीर कपूर चंकी पांडे मलाइका अरोड़ा और हम छायांकन विकास शिवरामन द्वारा संपादित रामेश्वर एम भक्तों संगीत या गाने शंकर एस आयर रॉय ने बैकग्राउंड स्कोर संदीप चो, चोटाला उत्पादन कंपनी नेडिया वाला ग्रे, ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित इंजरोन इंटरनेशनल रिलीज की तारीख फिल्म में अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल रितेश देशमुख दीपिका पादुकोण लारा दत्ता और जिया खान हैं सहायक कलाकारों में बोईमान ईरानी चंकी पांडे रणधीर कपूर लिले, लिलेट लिलेट दोबे मलाइका अरोड़ा शामिल है जिसमें जैकलिन एक आइटम नंबर में इसे पूरे लंदन और इटली में तीस करोड़ के बजट में शूट किया गया था फिल्म में खान की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति चीन किया जिसकी तीन जून 2013 की रिलीज होने के तीन साल बाद मृत्यु हो गई थी फिल्म में भारत में 750 से अधिक स्क्रीन पर मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के लिए 30 अप्रैल 2010 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था फिर भी यह एक सफलता साबित हुई। फिल्म में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर से अधिक की कमाई और सुपरहिट घोषित हुई और हम बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में कहानी आ, आरुस अक्षय कुमार एक पुणित एक बदकिस्मत व्यक्ति की है जो एक किशोन में काम करता है और पैसे कमाता है क्योंकि लोग पोकर के खेल हार जाते हैं पूजा मलाइका अरोड़ा द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद एक लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता है उसके बाद उसके बड़े भाई ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा अरसू अरसू कुछ समय के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त बोब रितेश देशमुख और उनकी पत्नी हेतल लारा दत्ता के साथ रहने के लिए लंदन जाता है बोब हर समय एक रोमांटिक रोमांटिक व्यक्ति है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है दोनों किशोर समतानी रणधीर कपूर के स्वामित्व वाले किशोरों किस कसीनों में काम करते हैं हालांकि पहले तो हेतल आरुष की उपस्थिति से नाखुश हैं वह एक परिवार की तलाश में एक दयाल दयालु व्यक्ति साबित होते हैं बॉब और हेतल ने उसकी शादी अपने बॉस की बेटी देविका समतानी जिया खान से कराने का फैसला किया है शादी के बाद इटली में अपने हनीमून पर देविका उसे अपने लंबे समय के अमेरिकी प्रेमी बेनी के लिए छोड़ देती है आलूसी ने अरुस ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने का फैसला किया लेकिन एक लड़की सैंडी दीपिका पादुकोण ने उसे बचा लिया जिससे वह चूम लेता है जब वह जब वह उसे मुंह से मुंह देखकर सांस लेने की कोशिश करती है सैंडी मूल रूप से सोचता है कि अरुस एक विक्रेता है लेकिन जब आखिरी पास तो चंकी पांडे के सबसे बड़े होटल के मालिक जहां अरुस अपना हनीमून देविका के साथ बिता रहे थे सैंडी को बताता है कि एक मजाक के रूप में एक विदुर है और उसकी पत्नी की मृत्यु उनके हनीमून के दिन हुई वह उसे दोस्ती करती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार में पड़ जाती है वह नहीं जानती कि पास्ता सिर्फ मजाक कर रहा है आरसी निबोब और हेतल के को पूरी स्थिति के बारे में बताते हुए इटली बुलाया सैंडी फिर उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद आरसू की मदद की दोनों ने इस स्थिति की गलत व्याख्या की आरसू ने मृत पत्नी के बारे में सैंडी से झूठ बोला था बाद में बाद में वह देविका से मिलता और तलाक के कागजात मंगाता तब उसे पता चलता कि उसकी पत्नी जीवित है और उसे छोड़ देती है सैंडी आरसू को अपने कमरे में नहीं आने देती इसलिए वह उसकी बालकनी से चढ़ जाता है को लगता है कि अरसू आत्महत्या कर रही है और इसका सीधा प्रसारण किया जाता है अरसू और सैंडी की शादी का एकमात्र तरीका उसके बड़े भाई मेजर कृष्ण राव अर्जुन रामपाल को समझाना है जो एक सख्त भारतीय सैन्य खुफिया अधिकारी है जो अपनी बहन से प्यार करता है और उनकी सुरक्षा करता है इस बीच हेतल अपने पिता बिट्टू पटेल बोमन ईरानी से झूठ बोलती है कि वो एक हवेली का मालिक है और उनका एक बच्चा है इसलिए वह इतने सालों के बाद उससे मिल सकती है दूसरे सैंडी अपने भाई को कहती है कि आरसू भी काफी अच्छा है हेतल के पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए चारों को एक हवेली किराए पर लेने ने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि वो का मालिक वोब का मालिक भ्रम की स्थिति बना बन रही बनी रहती है और किसी तरह बुटुक को गलती से विश्वास हो जाता है कि आरसू की शादी हेतल से हुई है और वो रसोइया है ब्रह्म में वे, वे एक अफ्रीकी बच्चे को लाते हैं और दिखावा करते हैं कि यह बच्चा फिर कृष्ण अपेक्षा से पहले आ जाता है